हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए स्माइल 3.0 क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट 4 फरवरी 2022 की अध्याय इसमें 17 दिया हुआ है। टॉपिक इसमें दिया हुआ सांप और बाज भाग एक। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सांप और बाज पाठ के लेखक हैं। तो इसके उत्तर में 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मन्नू भंडारी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ निर्मल वर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नागार्जुन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मुक्ति बोध। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा, आपका खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप और बाज पाठ के लेखक के नाम है निर्मल वर्मा। फिर इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, शब्दार्थ लिखिए। पहला दिया हुआ है इसमें भावना, दुर्गंध, जख्म और असीम, इन चारों शब्दों के आपको भावार्थ लिखनी है। तो पहला दिया हुआ भावना, इसका हो जाएगा विचार, भावना का हो जाएगा दोस्तों विचार। फिर इसके बाद दिया हुआ है दुर्गंध, तो दुर्गंध का हो जाएगा आपका बदबू। फिर इसके बाद तीसरा दिया हुआ जख्म, तो जख्म का हो जाएगा आपका घाव। फिर इसके बाद दिया हुआ चौथा असीम, तो असीम का हो जाएगा जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्ति को पूरा कीजिए। तो उत्तर इसमें दिया हुआ है, शरीर मिट्टी का है, खालिस्तान में ही मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको खालिस्तान में भर लेना है मिट्टी, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, सांप और बाज कैसी कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, यह एक बोध कथा है जिसमें दो प्राणियों की वीरता और कायरता को दर्शाने का प्रयास किया गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर चौथे का उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक पाँचवा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा दिया हुआ है, पाठ के आधार पर बाज व सांप के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। इसका उत्तर देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों, प्रश्न क्रमांक पाँचवें का उत्तर देख लेते हैं। पाँचवें का उत्तर दिया हुआ है, इस कथा में बाज एक साहसी और शिकारी पक्षी है जो स्वतंत्र भाव से आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और अपने साहस और वीरता के बल पर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का शिकार करना चाहता है। दूसरी ओर सांप, कायर और परतंत्र स्वभाव के कारण सीलन भरे बिल में ही रहना चाहता है। ये दोस्तों आपके पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक बार फिर से आप सारे क्वेश्चन के उत्तर देख लीजिए। ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है और ये आपके चौथे क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है और ये आपके पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।